नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। 5G इंटरनेट सेवा के शुरू होने से भारत में काफी कुछ बदलने वाला है। इससे न सिर्फ लोगों का काम आसान होगा बल्कि एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी कुछ बदल जाएगा। 5G नेटवर्क इंटरनेट की रफ्तार को इतना तेज कर सकता है कि आज हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी काम करते हैं उसमें 80% काम और आसान हो जाएगा। वीडियो मूवी और गेमिंग की स्पीड बढ़ाना, रोबोटिक सर्जरी को 100% एक्यूरेट बनाना या फिर एक्सपर्ट्स को वर्चुअली कनेक्ट करना तो 5G के कुछ ही फायदों में से एक है। इंटरनेट की ये रफ्तार आपकी जिंदगी को इससे कहीं ज्यादा बदल सकती है। ये तकनीक की रफ्तार की एक छोटी सी झलक है। यह अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी शक्ति का आगाज है। क्योंकि अब हिंदुस्तान में 5G सर्विस की शुरुआत हो चुकी है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। अब नो बफरिंग, नो फ्रीजिंग, स्पीड भी मिलेगी अमेजिंग। कॉल ड्रॉप तो भूल ही जाइए, ये सब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। अब नया जमाना है, 5G वाला जमाना। अब सुपर रफ्तार होगी, 2 घंटे की फिल्म सिर्फ चंद सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। देश में नई मोबाइल क्रांति आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G मोबाइल सेवा लॉन्च की। इसी के साथ ही देश के 13 शहरों में मोबाइल को सुपर रफ्तार मिल गई। सबसे पहले देश के जो 13 शहर 5G मोबाइल सेवा से जुड़े हैं वो शहर हैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, लखनऊ, पुणे और कोलकाता। हिंदुस्तान की संचार क्रांति में 5G के तौर पर नए दौर की दस्तक दे दी गई है। 5G के आने से हर क्षेत्र को फायदा होगा, फिर चाहे मोबाइल प्रोडक्शन हो या फिर शिक्षा, सुरक्षा हो या जीवन शैली, कंस्ट्रक्शन से लेकर भारी उद्योग तक 5G की रफ्तार नजर आएगी। 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। 5G नेटवर्क पर आपको बेहतर वॉइस क्वालिटी और कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ ही तेज स्पीड इंटरनेट भी मिलेगा। 4G के मुकाबले 5G पर 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 4G में जहां अधिकतम डाउनलोड स्पीड 150 Mbps और अपलोड स्पीड 50 Mbps होती है, तो वहीं 5G में डाउनलोड स्पीड 10 Gbps और अपलोड स्पीड 1 Gbps तक होगी। 5G की मदद से 1 GB साइज की फुल HD फिल्म को डाउनलोड होने में केवल 7 सेकंड्स का समय लगेगा, जबकि इसी साइज की फिल्म को डाउनलोड होने में 4G इंटरनेट को 40 मिनट तक और 3G इंटरनेट को 2 घंटे तक का समय लगता है। आज उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीकॉम कंपनियों के स्टॉल पर गए और नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ली। मेडिकल साइंस में 5G से क्या क्या फायदे होने वाले हैं इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। साथ ही इस बात का भी जायजा लिया कि डिफेंस सेक्टर और कृषि क्षेत्र में 5G आने से क्या क्या फायदे होंगे। अब मोबाइल की नई क्रांति से भारत भी सुपर स्पीड मोड में आ गया है। इससे भारत के विकास में भी बड़ी छलांग लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5G की इस पूरी तकनीक से हमारी जिंदगी खासी आसान हो जाएगी। एजुकेशन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक में बड़ा बदलाव होगा, जिसका डेमो भी इंडियन मोबाइल कांग्रेस में दे दिया गया। होलोग्राम तकनीक से लेकर टनल के अंदर तक 5G तकनीक का इस्तेमाल किया गया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। फाइव जी की शुरुआत के साथ ही बदलने लगेगा लोगों के काम करने का तरीका। न सिर्फ सर्वर और फोन के बीच होने वाली कम्युनिकेशन काफी बेहतर हो जाएगी, बल्कि डेटा भी तेज रफ्तार से ट्रांसफर होगा। 5G से शिक्षा जगत से लेकर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का कायाकल्प होगा। सर, 5G देखिए, ओवरऑल इफेक्ट जो इम्पैक्ट होगा 5G को बहुत अच्छा होगा। एज अ स्टूडेंट मेरे लिए मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम जैसे जैसे अभी पहले इंडिया में क्या था, इतनी डिजिटलाइजेशन, जब से मोदी जी आए हैं तब से डिजिटलाइजेशन पे हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, और मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब काफ़ी इंप्रूव हो गए। इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी बहुत अच्छा होगा। बेसिकली हम मोर एफिशिएंट होंगे और लेस इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं सारी इंडस्ट्रीज में। 5G के लॉन्च पर भविष्य में होने वाले बदलावों की एक झलक भी दिख गई। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नई मोबाइल क्रांति के फायदे बताए गए। पहले ये संदेश दिया जाता था कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अब समय आ गया है कि डिजिटली पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? 5G के लॉन्च होते ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले स्कूल के बच्चों से बात की। अहमदाबाद के रोपड़ स्कूल की एक छात्रा के साथ पीएम ने बातचीत की और तकनीक के जरिए पढ़ाई में होने वाले फायदों को समझाया। A heart is a pump that circulates blood through blood vessels. It is made up of cardiac muscles which beats throughout your life, powered by electrical impulses. अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। थोड़ी देर में खेलने जाने के लिए मन कर जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी वाले को बीच बीच में कहना पड़ेगा, ध्यान रखो, सामने देखो, बातें मत करो, ऐसा कहना पड़ेगा ना? हाँ। शाबाश। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और आप चाहोगी कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाए? आपको इतनी छोटी आयु में चश्मा आ गया है तो आप जरूर ज्यादा पढ़ती होगी। सर, मेरा मनपसंद साइंस है। अच्छा, उसको लगता है कि टेक्नोलॉजी से मजा आएगा? हाँ। ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगी? हाँ। अब ये जैसे हार्ट के विषय में अभी पढ़ाया, अगर ऐसा न होता और टीचर ने समझाया होता तो दिमाग में चित्र बनता कि हाँ ये कुछ ऐसा कह रहे हैं टीचर? नहीं, नहीं बनता। देखिए, ये फर्क है टेक्नोलॉजी का, जिसका फायदा हमारे देश के बच्चों को होने वाला है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। टेक्नोलॉजी वाले को बीच बीच में कहना पड़ेगा, विश्व शक्ति बनने की ताकत रखने वाले भारत को अपनी नई पीढ़ी को सही तरीके से ढालना और संवारना होगा, जो भविष्य में देश के साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर बिजनेसमैन बनेंगे, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। और इस सपने को पूरा करने के लिए शिक्षा ही उनका सबसे जरूरी माध्यम बनेगा। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाए। नमस्कार, माननीय प्रधानमंत्री, 5G लॉन्चिंग के बाद दूसरे डेमो में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के कंस्ट्रक्शन साइट टनल से जुड़े, जहां वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे एक मजदूर से बातचीत करते हुए नजर आए। जमीन की गहराई में कई फीट नीचे टनल में भी सिग्नल ये दिखा रहा था कि कैसे विकास की राह को तकनीक आसान बना रही है।
जी हाँ जी हाँ, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री ने 5G का एक और अनुभव तब किया जब वाराणसी के स्कूल की एक बच्ची हेलोग्राम टेक्नोलॉजी से मंच पर आ गई। छात्रा ने हेलोग्राम के जरिए मंच पर उपस्थित होकर अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को प्रधानमंत्री के साथ शेयर किया। और जैसे हम पीछे तके तो सूर्य बिल्कुल हमारे सामने था, यह सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था। उसके बाद हमने पैरामिड देखा, हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि पैरामिड कैसा दिखता है, हमने किताबों में पढ़ा था, पर जैसे हमने VR के थ्रू से देखा तो हमें पता चला वो कितना बड़ा है। अभी मैं UP के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था, आज वो घर घर पहुंच रहा है। मैंने महसूस किया कि नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के मायने बदलते जा रही है। इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा के गांवों के सुदूर स्कूल तक 5G के जरिए बच्चे बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ क्लास में नई नई चीजें सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में 5G मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत की। इस दौरान PM ने नई दिल्ली में बैठकर यूरोप में मौजूद एक कार का रिमोट टेस्ट किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि PM मोदी अपने सामने लगे स्टीयरिंग से कार को कंट्रोल कर रहे हैं। सामने लगे स्क्रीन पर कार के व्हील्स का मूवमेंट नजर आ रहा है। 5G 5वीं जनरेशन की वायरलेस नेटवर्क तकनीक है जिसने अवसरों के कई दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में और उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पिछले 20-22 सालों को अगर देखा जाए तो भारत ने मोबाइल सर्विस में 4 पीढ़ियां देखी हैं। अब 5वीं पीढ़ी यानी कि 5G की बारी है और 6ठे की तैयारी चल रही है। 2G, 3G और 4G मोबाइल सेवाओं में कितना फर्क पड़ा है ये लोग देख चुके हैं। अब 5G आने पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, इसके बारे में बहुत सी बातें पहले से चल रही हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5G से क्या क्या फायदे होंगे, लोगों की जिंदगी पर इससे कितना असर पड़ने वाला है। जो हुक्म मेरे आका, जीनी का ये जुमला अलादीन का चिराग घिसने पर ही सुनाई पड़ता है। लेकिन 5G की सर्विस में आपको हुक्म भी देना नहीं होगा और फिर कुछ कुछ वैसा ही होगा जो आपका मन चाहता हो। पड़ गए ना चक्कर में। चलिए आपके लिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। दरअसल 5G की बदौलत आपकी दुनिया इतनी हाईटेक और मॉडर्न हो जाएगी कि स्मार्ट गैजेट के भरोसे जिंदगी जीने वालों को कोई जादुई खजाना मिल जाएगा, जिसमें घर की लाइट, इलेक्ट्रिक और स्मार्ट इक्विपमेंट्स और हर वो जगह जहां इंटरनेट का दखल होगा वो हाई स्पीड में दौड़ने लगेंगी। दुनिया आपके मुट्ठी में नहीं बल्कि एक क्लिक पर हो जाएगी। इसे इंटरनेट की दुनिया में क्रांति ही माना जाएगा क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सारा खेल स्पीड का है। एक ऐसी स्पीड जो पलक झपकते ही रफ्तार से काम करती है। अब जरा सोचिए कि स्पीड का खेल भी कितना निराला होने वाला है और इसका फर्क किस तरह से लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। सबसे पहले समझिए कि आपकी जिंदगी में बदलेगा क्या क्या। अव्वल तो यह है कि 5G के जरिए सबसे बड़ा बदलाव कनेक्टिविटी का होगा। फिर इसका असर सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसी के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाएगा और मनोरंजन तो इस परिवर्तन का बड़ा हिस्सा है। 5G नेटवर्क की स्पीड 4G के मुकाबले 10 गुना से 100 गुना तक तेज हो सकती है। अधिकतम इंटरनेट स्पीड 10 GBPS हो सकती है। भीड़ भाड़ में इंटरनेट सुपर स्पीड से दौड़ेगा। दावा है कि 2 GB की मूवी डाउनलोड करने में महज 10 सेकंड लगेंगे। 300 MB की 75 फोटो महज 2 सेकंड में डाउनलोड होंगी। भारी भरकम फाइल कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएंगी और एक ही टाइम पर कई डिवाइसेस एक साथ चलेंगी। 1 वर्ग किलोमीटर में करीब 1 लाख कम्युनिकेशन डिवाइस को सपोर्ट मिलेगा। इंटरनेट की स्पीड का अंदाज यकीनन रोजमर्रा की जिंदगी और जरूरतों को बदलने वाला है। केवल 13 सिटीज में ही इसको लॉन्च किया जा रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर्स इसको पैन इंडिया पूरी तरीके से पहुंचाया जाएगा। और देखिए, ये नई टेक्नोलॉजी है, इसके लिए आपको नई इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, नए टावर्स की आवश्यकता है
और लिहाजा लोगों को नए फीचर्स भी दे रही है नई टेक्नोलॉजी, ना केवल आपको हाई स्पीड देगी, लेकिन एकमात्र स्पीड से ही आपके विभिन्न डिजिटल जीवन पर एक विशेष प्रभाव छोड़ के जाएगी ये टेक्नोलॉजी। 5G स्पीड का फायदा व्यक्तिगत तो होगा ही, अब जरा समझिए कि देश के किन सेक्टर्स पर इसका असर डलने वाला है। हाइब्रिड वर्क कल्चर बढ़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मैन पावर पर निर्भरता कम होगी, मरीजों के इलाज की प्रक्रिया बदलेगी, रोबोटिक सर्जरी के अलावा टेलीमेडिसिन बढ़ेगी, कृषि क्षेत्र में खेतों की देखरेख में ड्रोन यूज संभव होगा, मेट्रो और बिना ड्राइवर चलने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना आसान होगा, वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट यूज करना ज्यादा आसान होगा, हाई स्पीड से एंटरटेनमेंट सेक्टर में बड़े बदलाव होंगे, ऑनलाइन कंटेंट में भी क्रांति दिखेगी, क्लाउड गेमिंग के लिए नए रास्ते खुलेंगे, शहर और स्मार्ट बनेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल, साफ सफाई और सेफ्टी में मदद मिलेगी। 5G में कैपेसिटी बहुत ज्यादा है 4G के तुलना में, और इससे क्या होगा, हमारे पास स्पीड अच्छी है, कैपेसिटी अच्छी है, लेटेंसी जो रेट है वो काफी अच्छा है हमारा 5G में, तो उससे हमें क्या मिलता है, जो हमारा व्यापार है, क्योंकि हम कोविड के सिनेरियो को देखा हमने, तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। भारत में भले ही 5G टेक्नोलॉजी अब आई हो, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो पहले से ही 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरोपीय संघ, अमेरिका जैसे कई और देश हैं जहां 5G का इस्तेमाल काफी पहले से हो रहा है। भारत में किसी भी टेक्नोलॉजी की कामयाबी उस पर निर्भरता नहीं बल्कि उसकी कीमत होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की पहुंच कीमत ही तय करती है। ऐसे में जब ये माना जा रहा है कि 5G का दाम 4G के मुकाबले ज्यादा होगा, तो इन बदलावों को देखने के लिए बजट पर इसके असर को भी देखना होगा, जिसके लिए जाहिर है कंपनियां गुणा भाग कर चुकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भारत पहला देश नहीं है जहां पर 5G सेवा की शुरुआत हुई है, इससे पहले कई देशों में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। चलिए आपको बता देते हैं वो कौन कौन से देश है जहां पर पहले से ये सर्विस चालू हो चुकी है, उसकी सुविधा मिल रही है। आप एक सूची भी देख सकते हैं आप साइड में, ये देश है अमेरिका, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, स्वीडन, स्पेन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, चीन, ताइवान, तुर्की, सऊदी अरब और कुवैत। ये तमाम वो देश हैं जो हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं जहां पर यहां के लोग पहले से 5G सेवा की सुविधा ले रहे हैं। तो तकनीक के इस पूरे क्षेत्र में भारत दुनिया के विकसित देशों के साथ कदम ताल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सूचना तकनीक के मामलों में दुनिया पहले भी भारत का लोहा मान चुकी है, और अब संचार क्षेत्र में भी भारत नए जमाने की जरूरतों के हिसाब से खुद को तैयार भी कर रहा है। भारत ने 6G तकनीक पर भी काम शुरू कर दिया है, और 5G के मुकाबले 6G की जो स्पीड है वो स्वाभाविक है कि कई गुना ज्यादा होगी। संचार मंत्री ने हाल ही में कहा था कि हम 2G और 3G में काफी पीछे थे, 4G में हम दुनिया का पीछा कर रहे थे, और 5G पर दुनिया के साथ चलना है और 6G पर दुनिया में आगे निकलना है। लगातार डिजिटल होती दुनिया में भारत किसी से पीछे नहीं रहना चाहता बल्कि दुनिया की अगुवाई करना चाहता है, और ऐसे में 3G, 4G, 5G के बाद अब बारी 6G की है। भारत में इस पर काम भी शुरू हो गया है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा है कि भारत को आगे रहना है तो 6G पर काम करना होगा। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर हम 6G के मामले में दुनिया से आगे नहीं रहते तो भारत को प्रतिभाओं का देश कहने का क्या मतलब रह जाएगा। माना जा रहा है कि 2030 तक ग्लोबल लेवल पर 6G नेटवर्क को लॉन्च किया जा सकता है, और इसीलिए भारत ने भी 6G नेटवर्क की तैयारी शुरू कर दी है। ये 5G से 15 गुना हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क है, इससे डेटा डाउनलोड स्पीड 1000 GBPS पहुँच सकती है। दुनिया भर में अगर 6G नेटवर्क की बात करें तो जापान में 6G नेटवर्क 2030 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। जापान के अलावा दक्षिण कोरिया, चीन और फिनलैंड भी 6G नेटवर्क की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगर देश में 2024 की शुरुआत तक 6G नेटवर्क लॉन्च हो जाता है तो भारत इस मामले में कई देशों को पीछे छोड़ सकता है। भारत की नज़र केवल डिजिटल वर्ल्ड में आगे रहने की ही नहीं, भारत डिजिटल बाजार में अपनी पकड़ भी मजबूत बना रहा है। 35 भारतीय दूरसंचार कंपनियां अपने उत्पादों को विदेशी बाजारों में निर्यात करने की तैयारी में हैं।
वहीं अगर 5G और 6G टेक्नोलॉजी के विकास के लिए काम कर रही रिसर्च टीमों की बात करें तो यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में भारतीय प्रतिनिधि सबसे आगे हैं। आज जबकि डिजिटल वर्ल्ड में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में इसके नियंत्रण और संचालन के लिए नए सिरे से बदलाव की बात भी कही जा रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एक प्रतिभाशाली देश को इस तरह से सोचना चाहिए जिससे वो अगुवाई कर सके, लक्ष्य तय कर सके और पूरी दुनिया के लिए दिशा निर्धारित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने किस तरीके से 5G तकनीक इंडिया में लॉन्च होने के साथ ही फायदों का पिटारा आम जनता के लिए आने वाला है। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इसी के साथ बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।